हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टेक्निकल सपोर्ट पर स्वागत करेंगे। और यहां पर ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, राजस्थान में जल्द खुलने वाला है लॉकडाउन। आज से बसें, यातायात, दुकान, शादी समारोह इन जिलों में शुरू हो जाएंगे। क्या क्या छूट मिलेगी, देखिए इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग प्रभावी हैं, सभी लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। और यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले दिनों में आपने देखा होगा प्रतिदिन कोरोना के केसेज है जो 15,000 से 16,000 के बीच में आ रहे थे, अभी वो केसेज कम हुए हैं। तो सरकार यहां पर अपडेटेड गाइडलाइन जारी कर रही है, तो उसमें यहां पर हमको यहां पर ये लग रहा है कि राजस्थान में लॉकडाउन खुलने जा रहा है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे लग रहा है और कैसे क्यों, सारी जानकारी आपको देंगे विद प्रूफ के साथ में 100%। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए, ताकि आपको जो सारी जानकारी है वो वहाँ पर आपको मिल जाए। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर समस्याएं आ रही है, हमारे पास भी कमेंट आ रहे थे कि सर लॉकडाउन कब तक खुलेगा, तो अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और जल्द ही ये आपकी जो बसें वगैरह, रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज है या फिर प्राइवेट व्हीकल है, सभी यहाँ पर शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्वीट किया गया है फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान से। तो देखिए, पिछले 24 घंटे में 85 मौतें, 3,454 नए पॉजिटिव केस, जयपुर में सर्वाधिक 775 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, अजमेर में 121, अलवर में 212, बांसवाड़ा में 44 और बारा में 45। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपका जिला कौन सा है, आपको कमेंट कर देना, ताकि आपको जिले की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा आपके जिले में इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी यहाँ पर ये अपडेट किया गया है, लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो केसेज है, जो पहले जो पॉजिटिव केस आ रहे थे वो प्रतिदिन यहाँ पर 15,000 से 16,000 के बीच में आ रहे थे, अभी यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3,454, मतलब 5% से भी यहाँ पर डाउन चला गया। तो यहाँ पर सरकार मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और यहाँ पर बता दें, उन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करके रखा है ताकि उनको अपडेट नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं बता दूं, सरकार जैसे ही गाइडलाइन जारी करती है या सरकार जो स्कीम जारी करती है उनका आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाता, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और वीडियो को लास्ट में देख के आपको शेयर वाले बटन पर दबा के अपने व्हाट्सअप सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपने जिले का नाम लिख देना है, तभी आपको जो भी है सरकार की अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। और जो योजनाएं होती है या फिर सरकार की जो कोविड सहायता या अनुग्रह राशि होती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जिले में जानना है कितने यहाँ पर पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर देखिए ये आ गया, फिर उसके बाद में अजमेर में 121, अलवर में 212, बांसवाड़ा में 44 और बारा में 45 और बाड़मेर में 75 पॉजिटिव, भरतपुर में 54, भीलवाड़ा में 37, बीकानेर में 102, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 70 पॉजिटिव और चूरू में 82, दौसा में 65 और धौलपुर में 40 और डूंगरपुर में 76, श्रीगंगानगर में 231। तो देखिए दोस्तों, श्रीगंगानगर में बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, 231 पॉजिटिव। और कुछ यहाँ पर देखिए, हनुमानगढ़ में 148 और यहाँ पर भी ज़्यादा है, जयपुर में 775 सबसे ज़्यादा है, जैसलमेर में 108 हैं, जालौर में 6 हैं और झालावाड़ में 32 पॉजिटिव है, झुंझुनू में 121, जोधपुर में 229, करौली में 6 और कोटा में, और यहाँ पर देखिए 111 है, नागौर में 60 है ओनली और पाली में 111 है पॉजिटिव, प्रतापगढ़ में 22, राजसमंद में 61, सवाई माधेपुर में 35 और सिक्कर में 97 पॉजिटिव, सिरोही में 36, टोंक में 32, उदयपुर में 182 नए पॉजिटिव केसेज। राजस्थान में अब तक कुल देखिए, राजस्थान में कुल अब तक यहाँ पर देखिए दोस्तों 8,103 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक यहाँ पर देखिए कोरोना से। तो देखिए दोस्तों, अभी जो राजस्थान में पॉजिटिव केसेज हैं वो 9,31,200 केसेज हैं। बीते 24 घंटे में 10,396 मरीज ठीक हुए हैं, ये एक बहुत ही सुखदायक खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक हैं हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्टिव केसेज हैं वो 71,099 केसेज हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव केसेज हैं जो मैं आपको बता, तो 71,099 केसेज अभी एक्टिव चल रहे हैं कोरोना के। और यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसके बाद में क्या फैसला लिया जाता है उसका आप सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जल्द ही राजस्थान में जो रोडवेज बसें या प्राइवेट व्हीकल जो सभी बंद हैं वो सभी शुरू हों और लोग अपनी जो जीवन यापन की जो दिनचर्या है वो वापस शुरू हो, उनकी गाड़ी पटरी पर आएँ। और यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों को समस्याएँ हो रही है, आमजन को बहुत सारी समस्याएँ हो रही है, जो यहाँ पर रोजी रोटी अपनी जो
दिन में काम करके शाम को उनका घर चलता है या शाम को उनका चूल्हा जलता है, उन लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर लॉकडाउन खोला जाएगा और इस किस प्रकार से जो अपडेट जारी करती है वो हम आपको आप तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही अपडेट आती है आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और प्रेस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक ठोक दीजिए। मिलते हैं एक और प्रेस वीडियो में लेटेस्ट के साथ में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज करें। जय हिंद, जय भारत।